माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। अपनी फैमिली भी हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटें। तो आज दिल मूड नहीं था कि कुकिंग करने को, तो सोचा घर में खाना है तो चले वही चीज़ें चला लेते हैं। लेकिन कभी कभी फिर दिल करता है कि नहीं, बिल्कुल फ्रेश बना के खाओ, तो इसलिए फौरी तौर पर समझ भी नहीं आती क्या बनाना है, कुछ जल्दी चीज़ बन सके। तो फिर अचानक आइडिया आया कि नहीं, ये बनाती हूँ तो ये जल्दी भी बन जाएगी और टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको, मैं बना रही हूँ आलू पालक और वो भी कितनी जल्दी बनने वाली है ये मैं आपको दिखाती हूँ। कटलेट बनाना है तो किस तरह बनाना है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। ये देखें, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आलू मैंने बॉयल होने के लिए पहले से रख दिए हैं, तो ये भी हो जाएंगे। इसको काट के बॉयल किया है मैंने, तो बाकी जो स्पिनच है उसको मैं फ्राई करूँगी। आलू मैंने काट के स्किन ऑफ करके उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको बॉईल करने के लिए रखा है, और उसमें मैंने सॉल्ट थोड़ा सा डाला ताकि वो जब बॉईल हो तो अंदर तक उसका फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए, मैंने फ्लेम ऑन कर लिया, इसमें ऑयल डालती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मेरे पास अभी गार्लिक नहीं है साबुत वाला, तो फिर मजबूरी में मुझे पिसा हुआ डालना पड़ा है जिंजर गार्लिक पेस्ट। लेकिन ही गार्लिक का ही ज़्यादा फ्लेवर अच्छा आता है और वो ही डालना चाहिए, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मजबूरी है, क्योंकि मुझे अभी बनाना था फौरी तौर पर। फिर आपको पता है कि बाहर निकलना और ये चीज़ें करना, वेदर अच्छा नहीं था तो दिल भी नहीं करता फिर ऐसे छोटी सी चीज़ के लिए आप आ जाए। तो जस्ट फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया ऐसे ही कहते हैं ना, मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो फ्रेश होता है उसके छोटे छोटे पीसेस करके चॉप करके इसी से उसका बघार लगाना होता है। और ये थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने, वो भी साथ ले दूँगा। अच्छा, डाले में ये डाल। अच्छा, ये स्पिनिच है टिन वाली, इसका मैंने रिमूव कर दिया तो निकाल दिया, तो इसमें स्पिनिच डालती हूँ। ये लीव वाली है, तो इसे साबुत पत्तों को उन्होंने करके प्रिजर्व करके रखा होता है। इसका पहले पानी ड्राई होगा, बाकी फिर इसके चीज़ें डालूँगी। इसको अच्छे से पानी ड्राई करके इसको थोड़ा सा मोटा मोटा मैं इसको पीस लूँगी। इसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया और मैंने इसको काफ़ी भून भी लिया है, और इसी में स्पून से मैंने इसको अच्छे से वो इसके जो है ब्रेक करके उसको कर लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनानी थी इसकी, क्योंकि वो अच्छी भी नहीं लगती। तो हमेशा मैं जो टिन में भी लेती हूँ और फ्रोज़न भी लेती हूँ वो भी ऐसे लीफ वाली लेती हूँ, पेस्ट वाली नहीं लेती। बाकी इसको जब मज़ीद भूनूंगी तो मज़ीद इसकी ये सारी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये थोड़ी बहुत इसकी रह गई है पत्ते और टहनियाँ वगैरह जो होती है ना, तो वो थोड़ा टाइम लेती है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, अच्छा इसमें स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं डलते। और ये देखने से ये कुटी मिर्च है और हल्दी है और थोड़ी सी हरी मिर्च है, और ये कुटी मिर्च है और ये वाली मोटी वाली मिर्च है। ये खूबसूरती के लिए होती हैं, तो ये बस ऐसी नज़र आनी चाहिए, खूबसूरत लगती हैं। बस सॉल्ट और हल्दी और ये मिर्च है। हरी मिर्च भी अंदर गल जाएंगी, थोड़ा सा भूनने में गल जानी है। और इसमें मैं बटर डालूंगी, साग और पालक में बटर नहीं डाले तो मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, और मैं हमेशा डालती हूँ पहले भी और बाद में भी।
फ्लेम मैं स्लो करके फिर इसको लो हीट करूँगी। अब इसको मुझे भूनना है, बहुत भूनना है इसको। देखिए पानी का कोई इसको आप कोई इस्तेमाल नहीं पानी का किया, और जब आप फ्रेश भी लेते हैं तब भी आप बॉईल करते हैं तो भी बाद में पानी का बिल्कुल भी कोई इसको इसमें डालते नहीं है। हाँ, आलू वगैरह अगर कच्चे डालने हैं तो वो फिर आपको थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है, वो भी आलू बहुत छोटे होंगे तो स्टीम में ही गल जाते हैं। और मैं नहीं डालती, कभी भी नहीं डालती पानी, अगर मैं कच्चे भी डालूँगी तो पानी नहीं डालती, क्योंकि मैं छोटे छोटे डालती हूँ, उसको इतना स्लो इसका फ्लेम रखती हूँ कि वो फिर खुद ही ऑटोमेटिकली स्टीम में गल जाता है। और इसको मैं भी ऐसे करती हूँ, बिल्कुल स्लो करूँगी, बिल्कुल ऐसे, और इसको बंद कवर कर दूँगी। आलू फिर बाद में डालूँगी जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट में होंगे तो तब डालूँगी। ये देखिए स्पिनिच को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, और इसका देखिए पानी भी ड्राई हो गया है। और ये है कि ये देखिए आलू जो मैंने बॉईल करके रखे थे इसमें मैं डालूँगी। अब इसको मिक्स करके फिर इसको मैं स्लो फ्लेम पे रख दूँगी, जो थोड़ा सी थोड़ी कसर होगी आलू में तो वो भी पूरी हो जाएगी, प्रॉपर गल जाएंगे। वैसे तो गले हैं, लेकिन ये कि इसको दम पे रखने से ये होगा कि सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे। जी तो स्पिनिच हो गया रेडी, मैंने कहा आपको दिखा दूँ इसका, तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ। देखो स्टीम में सारा कुछ मैंने किया है, तो चलिए इसको डिश आउट करती हूँ फिर आपसे शेयर करती हूँ। इसको मैंने डिश आउट कर दिया, देखिए कितने सिंपल तरीके से कम इन्ग्रीडियंट्स से मैंने इसको तैयार किया। और ये आप ट्राई जब इसी तरह करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट वाइज बहुत अच्छी होती है। और सिर्फ ये था कि मेरे पास फ्रेश गार्लिक नहीं था, तो उसका फिर अलग से भी भगार लगा के कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसे भी बन जाती है नॉर्मल। मैंने भी बनाई है लेकिन बहुत मज़े की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी होती है और सिंपल वेजिटेबल। टेक केयर, बाय बाय।